आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट राजनीति विज्ञान का फर्स्ट सेमेस्टर जो जल्दी ही होने वाला है, तो इसमें आपके हम किताब का एक बार रिवीजन करें। इसका हम पहला रिवीजन भाग प्रस्तुत कर चुके हैं और ये दूसरा रिवीजन भाग है। एमसीक्यू वाले जो जिनके पेपर आ रहे हैं, एमसीक्यू वाले भी दो पेपर अपलोड कर दिए हैं। इसके अलावा जिनके डिस्क्रिप्टिव पेपर है, यानी बड़े वाले पेपर हैं, उनके लिए भी यानी जैसे तीन मॉडल पेपर अपलोड किए हुए हैं। इसके अलावा उनके लिए क्वेश्चन बैंक अपलोड किए हुए हैं, तो सभी आपको देखना चाहिए। और वैसे आप यदि पार्ट पूरे देखते हैं तो मेरे विचार से चाहे एमसीक्यू वाला पेपर आता है, चाहे किसी प्रकार का पेपर आता है, उसमें आपकी कोई समस्या नहीं आती है। तो आप अच्छे से उनका पूरा अध्ययन कर लीजिए। लगभग जो है पॉलिटिकल साइंस की किताब जो क्लास है वो लगभग 7-8 घंटे की किताबें हैं, 7-8 घंटे की क्लासेज है। 7-8 घंटे में मेरे विचार से राजनीति विज्ञान के सारे पेपर, सारे पार्ट, सारे वो आप देख सकते हैं आराम से। और यदि आप 2 बार देख लेते हैं, यानी लगभग 2 दिन आप देख लेते हैं, तो 2 दिन में मेरे विचार से आपकी जो बुक है वो अच्छे से आपके रिविजन हो जाती है। तो ये रिविजन का सेकंड भाग है, पूरी किताब का रिविजन हम कर रहे हैं। 3 वीडियो में हम पूरा रिविजन करने का पूरा प्रयास करेंगे कि 3 वीडियो में ही हम पूरा रिविजन कर ले। तो आइए देखते हैं ये दूसरा जो रिविजन है वो कैसा है और इसमें कैसे कैसे प्रश्न हैं, उनका हमें कैसे करना है। इससे पहला भाग आप जरूर देखिएगा क्योंकि तभी आपके पूरे समझ आएंगे। प्रश्न आ जाता है, राज्य और राज्य व्यवस्था की धारणा में सबसे प्रमुख अंतर क्या है? तो राज्य राज्य व्यवस्था की धारणा राज्य और शासन की तुलना में अधिक व्यापक और गतिशील है। राज्य और राज्य व्यवस्था, तो राज्य व्यवस्था की धारणा जो है वो राज्य और शासन की तुलना में अधिक व्यापक है और गतिशील है। बस ये इतना आपको, छोटे प्रश्न, छोटे और बड़े दोनों तरह के प्रश्न हमें देखने हैं, इसमें छोटे भी हैं बड़े भी हैं। आमंड ने राज्य व्यवस्था की जो विशेषताएं बताई है उनमें से कौन सी 3 विशेषताएं हैं? कोई 3 विशेषताएं बतानी है। आमंड ने जो राज्य व्यवस्था की 5 विशेषताएं बताई, उनमें से 3, राजनीतिक व्यवस्थाओं की सार्वभौमिकता, राजनीतिक संरचनाओं की सार्वभौमिकता और राजनीतिक संरचना की बहुकार्यता। तो आप सार्वभौमिकता, संरचनाओं की सार्वभौमिकता और बहुकार्यता, ये आप तीनों लिख सकते हैं। राज्य व्यवस्था को की परिभाषा अपने शब्दों में लिखिए। राज्य व्यवस्था, तो राज्य व्यवस्था मांगों के रूपांतरण की एक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत शक्ति, नियम और सत्ता महत्वपूर्ण मात्रा में अंतर्ग्रस्त होती है। यानी जिसमें राज्य व्यवस्था में शक्ति, नियम और सत्ता ये महत्वपूर्ण मात्रा में अंतर्ग्रस्त, यानी महत्वपूर्ण मात्रा में समाहित होती है और उसी को राज्य व्यवस्था कहा जाता है। राजनीतिक आधुनिकीकरण के 3 प्रमुख लक्षण, राजनीतिक आधुनिकीकरण के प्रमुख 3 लक्षण बताने हैं, वो कौन से हैं? पहला है बुद्धिसंगत सत्ता, दूसरा है विभिन्नीकृत राजनीतिक संरचनाएं, तीसरा है राजनीतिक सहभागिता। ये 3 प्रमुख लक्षण है राजनीतिक आधुनिकीकरण के। अगर प्रश्न आ जाता है कि एडवर्ड शील्ड ने राजनीतिक आधुनिकीकरण के 5 मॉडल क्या बताए हैं, 5 कौन से मॉडल बताए? 5 मॉडल बताए हैं, एक तो है राजनीतिक लोकतंत्र, अभिभाव की लोकतंत्र और आधुनिकीकरणशील वर्गतंत्र, सर्वाधिकारवादी वर्गतंत्र और परंपरागत वर्गतंत्र, ये 5 बताए हैं। आधुनिकीकरण के प्रमुख अभिकरण क्या है? आधुनिकीकरण के प्रमुख अभिकरण है अभिजन और बुद्धिजीवी वर्ग, राजनीतिक दल और सरकारें। ये तीनों अभिकरण जो है आधुनिकीकरण के अभी आपके आधुनिकीकरण वाला पार्ट है उसमें से प्रश्न है ये। राजनीतिक विकास पर लिखने वाले कुछ प्रमुख लेखकों के नाम, राजनीतिक विकास पर कौन कौन से लेखक लिखे? एक तो कोलमैन है, रिक्स है, विंडर है, लुसियन पाई है, बायरन विनर है, एप्टर है, ये सारे जो है वो राजनीतिक विकास पर लिखने वाले हैं। राजनीतिक विकास पर लुसियन पाई ने क्या लिखा है, या लुसियन पाई ने कौन से ग्रंथ का नाम, उस ग्रंथ का नाम लिखना है। लुसियन पाई के ग्रंथ का नाम है एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, राजनीतिक विकास के क्षेत्र। लुसियन पॉय ने राजनीतिक विकास के 3 लक्षण क्या बताए हैं? समानता, क्षमता, विभेदीकरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप याद रखना। आमंड और पावेल ने राजनीतिक विकास की 3 विशेषताएं क्या बताई है? आमंड और पावेल राजनीतिक विकास की 3 विशेषताएं, एक तो भूमिका विभिन्नीकरण, उपव्यवस्था स्वायत्तता और लौकिकीकरण, ये 3 व्यवस्थाएं बतलाई है। इसी तरह आमंड ने राजनीतिक विकास की 4 अवस्थाएं क्या बताई है? आमंड ने राजनीतिक विकास की 4 अवस्थाएं बताई, एक तो राज्य निर्माण का स्तर, राष्ट्र निर्माण का स्तर, सहभागिता का स्तर और वितरण का स्तर, ये 4 अवस्थाएं उन्होंने बताई है राजनीतिक विकास की। आर्गेंस्की के अनुसार राजनीतिक विकास के 4 स्तर,
आर्गेंस के अनुसार एक तो है आदिम एकीकरण की राजनीति, औद्योगिकरण की राजनीति, राष्ट्रीय लोक कल्याण की राजनीति, समृद्धि की राजनीति। इस प्रकार राजनीतिक विकास के कुछ साधन बताइए। राजनीतिक विकास के कुछ साधन है, एक तो क्रांतिकारी राजनीतिक नेता, राजनीतिक दल, सेना, आधुनिक नौकरशाही का विकास, राष्ट्र भावना का विकास, लोकप्रिय सहभागिता का विस्तार। इस प्रकार है प्रत्यक्ष लोकतंत्र की वह कौन सी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत मतदाता अपने प्रतिनिधियों के आचरण से असंतुष्ट होने पर उन्हें वापस बुला सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की वह कौन सी है, और वह है प्रत्यावर्तन। कौन सी व्यवस्था है? प्रत्यावर्तन, जिसको अंग्रेजी में रिकॉल कहा जाता है, यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र की प्रत्यावर्तन व्यवस्था के आधार पर मतदाता अपने प्रतिनिधियों के आचरण से संतुष्ट नहीं होता है तो उन्हें वापस बुला सकता है। तानाशाही या आधुनिकवाद अधिनायकवाद से क्या आशय? तानाशाही या अधिनायकवाद, तानाशाही का आशय एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के शासन से है जो राज्य सत्ता पर बलपूर्वक अधिकार कर लेते हैं और असीमित रूप से प्रयोग करते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि बलपूर्वक राजनीतिक सत्ता को हत्याना, हत्या करके उस पर कब्जा करना अधिनायकवाद या तानाशाही है। तानाशाही शासन के भी दो गुण बताइए। संकट काल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त और उत्तरदायित्व का विभाजन नहीं। एक तो क्योंकि उत्तरदायित्व उसी पे होता है, सारा उत्तरदायित्व तो एक ही व्यक्ति पे होता है। दूसरा, संकट काल में वही होता है, वही ऑर्डर लेने वाला और वही करने वाला था, उसमें संकट काल के लिए उपयुक्त है। तानाशाही शासन के प्रमुख दोष, एक तो है मानवीय विवेक और स्वतंत्रता का अंत हो जाता है। दूसरा, शासन शक्ति का दुरुपयोग होता है। तीसरा, युद्ध को प्रोत्साहन मिलता है। लोकतंत्र की कोई एक परिभाषा, लोकतंत्र की परिभाषा अब्राहम लिंकन ने जो दी थी उससे बढ़कर कोई परिभाषा नहीं है। लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन ही लोकतंत्र है। लोकतंत्र शासन का वह स्वरूप है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग हो। ये परिभाषा किसने दी? ये परिभाषा दी है सीले ने। किसने दी है? सीले ने। इसके अलावा लोकतंत्र के दो भेद कौन कौन से हैं? लोकतंत्र के दो भेद है, एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसको प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र भी आप कह सकते हैं, अप्रत्यक्ष को प्रतिनिधियात्मक भी कह सकते हैं। लोकतंत्र के चार गुण बताइए। लोकतंत्र के चार गुणों में है लोक कल्याण की साधना और सर्वाधिक कार्यकुशल शासन, सार्वजनिक शिक्षा, जनता का नैतिक उत्थान, देशभक्ति के स्रोत और क्रांति से सुरक्षा। ये लोकतंत्र के गुण हैं। इसके अलावा लोकतंत्र के कोई दोष, दोषों में चार दोष है। अयोग्यता की पूजा हो जाती है, दल प्रणाली का अहितकर प्रभाव हो जाता है, भ्रष्ट शासन व्यवस्था हो जाती है, और सार्वजनिक दर और समय का अपव्यय होता है, अनुत्तरदायी शासन होता है। लोकतंत्र की सफलता तो चार आवश्यक परिस्थितियां बताइए। लोकतंत्र की सफलता के लिए नागरिकों का नैतिक उत्थान, शिक्षित और जागरूक नागरिकता और जनता, आर्थिक समानता, स्वस्थ और सूझ राजनीतिक दल। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का संगठित होना क्यों आवश्यक है? आज के अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का संगठित होना आवश्यक इसलिए है क्योंकि सरकार का निर्माण और कार्य संचालन राजनीतिक दलों के माध्यम से ही संभव होता है। आज लोकतांत्रिक व्यवस्था सबसे अधिक श्रेष्ठ रूप में कहाँ विद्यमान है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अनूठी व्यवस्था जो है वो स्विट्जरलैंड में ही देखी जा सकती है। राजनीतिक दल की कोई एक संक्षिप्त परिभाषा दीजिए। राजनीतिक दल की, तो ये एडमंड बर्क की परिभाषा है। वो लिखते हैं कि राजनीतिक दल ऐसे लोगों का समूह होता है जो किसी ऐसे सिद्धांत के आधार पर, जिस पर वो एकमत होते हैं, अपने सामूहिक प्रयत्नों द्वारा जनता के हित में काम करने के लिए एकता में बंधे होते हैं। यानी उनका एक तो एक ऐसा सिद्धांत होता है जिस पर वो सभी एकमत होते हैं, एकमत होकर के अपना सामूहिक प्रयत्न और सामूहिक प्रयत्न के माध्यम से वो जनहित में काम करते हैं, वो एक राजनीतिक दल है। राजनीतिक दलों के आवश्यक तत्व है, एक तो संगठन होता है, सामान्य सिद्धांतों में एकता होती है, एक संवैधानिक साधनों में विश्वास होता है, शासन पर प्रभुत्व की इच्छा होती है और राष्ट्र हित। ये 500 जो है राजनीतिक दल के आवश्यक तत्व हैं। इसी प्रकार राजनीतिक दलों की उत्पत्ति के कोई तीन आधार, मानव स्वभाव का सिद्धांत, आर्थिक हित और विचार, वातावरण संबंधी प्रभाव, ये राजनीतिक दलों की उत्पत्ति के तीन आधार हैं। दबाव समूह क्या है?
दबाव समूह की परिभाषा यदि हम कहें कि सार्वजनिक नीति और कार्यों को प्रभावित करने के उद्देश्य से निर्मित गैर सरकारी समूह दबाव समूह कहलाते हैं। यानी वो सरकारी समूह नहीं है, गैर सरकारी है, जो सार्वजनिक नीति और कार्यों को प्रभावित करते हैं उनको दबाव समूह कहा जाता है। दबाव समूह के चार लक्षण बताइए, उदाहरण बताइए और उनकी विशेषताएं कह सकते हैं। सीमित उद्देश्य, औपचारिक या अनौपचारिक रूप से संगठित, सीमित सदस्यता, संवैधानिक और असंवैधानिक साधनों का प्रयोग, ये उनके प्रमुख लक्षण हैं। लोबिंग क्या है? लोबिंग, लोबिंग का अर्थ है विधानमंडल के सदस्यों को प्रभावित कर अपने हित में कानूनों का निर्माण करवाना। लोबिंग का अर्थ क्या है? यानी शासन या विधानमंडल के सदस्यों को प्रभावित करना, प्रभावित करके अपने हित में कानून निर्माण करवाना, उसको लोबिंग कहते हैं। लोबिंग सबसे ज्यादा अमेरिका में प्रचलित है। कहां प्रचलित है? अमेरिका में प्रचलित है। वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या है? जब किसी राज्य के सभी वयस्क नागरिकों को चुनाव में मत देने का अधिकार होता है तो उसे वयस्क मताधिकार कहते हैं। हमारे यहाँ वयस्क मताधिकार की उम्र जो है वो 18 वर्ष है। निर्वाचन पद्धति प्रमुख रूप से कितने प्रकार की होती है? निर्वाचन पद्धति दो प्रकार की, प्रत्यक्ष निर्वाचन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। प्रत्यक्ष निर्वाचन वो होता है जिसमें सीधे जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन वो होता है जिसमें पहले जनता चुनती है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जो है वो सरकार के मुखिया को चुनते हैं, तो वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। निर्वाचन क्षेत्र में प्रमुख रूप से कितने प्रकार के होते हैं? निर्वाचन क्षेत्र प्रमुख रूप से हम दो प्रकार के कह सकते हैं, एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र और बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र, एक सदस्यीय और बहुसदस्यीय। भारत में अब मतदान के लिए कितने वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क समझा जाता है? 1989 तक तो था उम्र 21 वर्ष और 1989 से घटा करके कितनी कर दी है? 18 वर्ष। वर्तमान में 18 वर्ष है और 1989 से पहले कितनी थी? 21 वर्ष थी। 21 वर्ष का व्यक्ति जो है वोट दे सकता था। आपके विचार में प्रकट अथवा गुप्त मतदान में कौन सी पद्धति उचित है? यानी प्रकट मत, यानी प्रकट का मतलब जो खुली है, ओपन, और गुप्त जो कि गोपनीय है। तो गुप्त मतदान पद्धति ही निश्चित रूप से उचित है और श्रेष्ठ है, इसके अलावा दूसरी नहीं है। निर्देशित प्रतिनिधित्व या प्रतिनिधित्व के टेलीफोनिक सिद्धांत का आशय क्या है? टेलीफोनिक प्रतिनिधित्व का टेलीफोनिक सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार प्रतिनिधियों को अपने विचार को निर्वाचकों के विचारों और इच्छाओं का ज्यों का त्यों प्रतिनिधित्व करना चाहिए। यानी निर्वाचक यानी जो मतदाता उन्हें निर्वाचन करके भेजते हैं और उनके जो विचार है उनके विचारों को ज्यों का त्यों रखना, ये निर्देशित प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। निर्देशित प्रतिनिधि धारणा के दो समर्थक, एक तो रूसी और फ्रांस की राज्य क्रांति के नेता रोचेस्पियर, रूसी और फ्रांस की राज्य क्रांति के नेता रोचेस्पियर। निर्देशित प्रतिनिधित्व का विरोध करने वाले दो विचारकों के नाम एस्मिन और एडमंड बर्क, इनका विरोध करने वाले हैं। अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने की सबसे संतोषजनक पद्धति कौन सी है? वो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति, क्योंकि अल्पसंख्यकों में आप जानते हैं अल्पसंख्यकों को आनुपातिक प्रतिनिधित्व में ही दिया जा सकता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति को मुख्यतः कितने रूपों में अपनाया जा सकता है? दो रूपों में, एकल संक्रमणीय मत पद्धति और सूची पद्धति, दो प्रकार से अपनाया जा सकता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अंतर्गत निश्चित मत संख्या अथवा चुनाव कोटा निकालने का सूत्र क्या है? चुनाव कोटा निकालने का सूत्र है मतों की संख्या बटा पदों की संख्या +1 +1, यानी ये +1। इस प्रकार जैसे मतों की संख्या मान लो 500,000 है, पदों की संख्या 200 +1 और +1, इस प्रकार है ना। तो 200 +1 201 हो गया, जैसे मान लो यहां पर 500,000 हो गए, फिर 201 इधर +1 है, तो इधर यहाँ वर्गमूल लेंगे अपन, ये लेसे पे लेंगे, लेसे पे लेकर के फिर वो चुनाव कोटा निकल जाएगा। भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा 1909 के अधिनियम द्वारा किस पद्धति को अपनाया गया था जिसके परिणाम बहुत बुरे हुए? वो थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की पद्धति। कौन सी थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की पद्धति। गेरिमेंडरिंग क्या है? गेरिमेंडरी का अर्थ है शासक दल द्वारा अपने लाभ की दृष्टि से निर्वाचन क्षेत्रों में मनमाने परिवर्तन करना। शासन दल है वो निर्वाचन क्षेत्रों में अपने मनमाने तरीके से जब परिवर्तन करते हैं उसको गेरिमेंडरिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गेरिमेंडरिंग। अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने की आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अतिरिक्त अन्य कौन सी पद्धतियां हैं?
वो है आपके एक तो एकत्रित मतदान योजना, सीमित मतदान योजना, द्वितीय मतपत्र योजना, पृथक निर्वाचन प्रणाली या सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था। तो अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने वाली या अल्पसंख्यकों के हितों का ध्यान रखने वाली अन्य जो मतदान पद्धतियां हैं वो ये हैं। व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का क्या आशय है? व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का आशय है व्यवसाय के आधार पर प्रतिनिधित्व की व्यवस्था। दूसरे शब्दों में किसान, मजदूर, व्यापारी, उद्योगपति, डॉक्टर, वकील, सरकारी कर्मचारी आदि वर्ग अपने पृथक पृथक प्रतिनिधि चुने। व्यावसायिक प्रतिनिधि के आधार पर जैसे किसान अपने प्रतिनिधि चुनेंगे, मजदूर अपने प्रतिनिधि चुनेंगे और डॉक्टर अपने चुनेंगे, वकील अपने चुनेंगे। इससे वो चुने हुए प्रतिनिधि है वो वहां बैठ करके कानून बनाएंगे। तो ये व्यावसायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अच्छी प्रणाली है। विधि का शासन व्यवस्था विशेष रूप से किस देश के संविधान से जुड़ी हुई है? और विधि का शासन जुड़ी हुई है ब्रिटेन के संविधान से। कहां से जुड़ी हुई है? ब्रिटेन के संविधान के साथ जुड़ी हुई है। विधि के शासन का आशय क्या है? विधि के शासन का आशय है मतलब है कि विधि सर्वोच्च है। कोई भी व्यक्ति विधि के नियंत्रण से बच नहीं सकता। उच्चतम स्तर के व्यक्ति से लेकर निम्नतम स्तर के तक के सभी व्यक्ति जो है प्रमुख रूप से समान होते हैं। विधि के शासन की प्रमुख तीन विशेषताएं विधि के शासन की। एक तो विधि की सर्वोच्चता होती है। सभी नागरिकों के लिए एक ही विधि होती है, एक ही कानून होता है, एक ही प्रकार का न्यायालय होता है। विधि का शासन व्यक्ति के अधिकारों का रक्षक होता है। ये विधि के शासन की प्रमुख विशेषताएं हैं। विधि के शासन की प्रमुख सीमाएं बताइए या हम आलोचना कह सकते हैं। एक तो अधिकारियों की विवेकात्मक शक्ति, लोक सेवा अधिकारियों के सामने विशेष शक्ति, परतंत्र व्यवस्थापन और प्रशासनिक नियम और न्यायालय, ये चार प्रमुख सीमाएं हैं। संविधानवाद का क्या उद्देश्य है? संविधानवाद का उद्देश्य यह है शासक वर्ग की शक्तियों पर प्रभावी कानूनी नियंत्रण लगाना ताकि शासक वर्ग मनमाना आचरण नहीं कर सके। उसी को संविधानवाद कहा जाता है। संविधानवाद का आशय क्या है? शासन और शासक वर्ग पर नियंत्रण की संविधान द्वारा स्थापित संस्थागत व्यवस्था ही संविधानवाद है। एक पंक्ति में संविधानवाद का अर्थ है सीमित शासन। क्या अर्थ है? एक पंक्ति में सीमित शासन। इसी प्रकार राजनीतिक चिंतन में संविधानवाद का जनक किसे कहा जाता है? राजनीतिक चिंतन में संविधानवाद का जनक अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु ने ही कानून की सर्वोच्चता की धारणा का प्रतिपादन किया था। संविधानवाद की चार सामान्य विशेषताएं, एक तो संविधानवाद मूल्य संबंध अवधारणा है, यह है संस्कृति संबंध अवधारणा है, यह गतिशील अवधारणा है, यह संभागीय अवधारणा है। संविधानवाद की चार सामान्य विशेषताएं, संविधानवाद मूल्य संबंध अवधारणा है, संस्कृति संबंध अवधारणा है, गतिशील अवधारणा है, संभागीय अवधारणा है, ये चारों आप देख सकते हैं। संविधानवाद के प्रमुख लक्षण सत्ता और व्यवस्था के शांतिपूर्वक परिवर्तन की क्षमता, जनता के प्रति उत्तरदायी या लोकतंत्रीय शासन, विधि सम्मत शासन और शासन सत्ता पर नियंत्रणों की व्यवस्था, मूल अधिकारों की व्यवस्था, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, शक्तियों का विभाजन और विकेंद्रीकरण, ये संविधानवाद के प्रमुख लक्षण है। पाश्चात्य संविधानवाद का आशय क्या है? पाश्चात्य संविधानवाद साध्य तत्व व्यक्ति की स्वतंत्रता और साधन तत्व सीमित सरकार है। संविधानवाद में साधन तो है सरकार और साध्य है व्यक्ति, ये कह सकते हैं। तो उसके आदर्शनिक आधार है व्यक्ति की स्वतंत्रता है, राजनीतिक समानता है, सामाजिक और आर्थिक न्याय है, लोक कल्याण की साधना है। संविधानवाद की साम्यवादी अवधारणा क्या है? इसका मूल विचार है उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व तथा संपत्ति का समान वितरण ही राजनीतिक शक्ति के दुरुपयोग पर प्रभावशाली रोक हो सकता है। इसी प्रकार संविधानवाद के सम्मुख जो समस्याएं हैं उनमें से चार समस्याएं, युद्ध और तनाव का वातावरण है, निरंकुशतावाद है, जनता की आर्थिक सामाजिक असंतुष्टि है, विभिन्न वर्गों द्वारा संविधान प्रदत्त स्वतंत्रताओं का दुरुपयोग है, ये संविधानवाद की प्रमुख समस्याएं हैं। प्रश्न आ जाए कि संविधानवाद के सम्मुख जो समस्याएं हैं उनके निराकरण हेतु क्या सुझाव है? समस्याओं के लिए सुझाव एक तो सामर्थ्यवान लेकिन मर्यादित शासन होना चाहिए, शक्तियों का विभाजन होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, विश्व शांति की कामना होनी चाहिए। सरकार किसे कहते हैं? सरकार की परिभाषा है तो राज्य की इच्छाओं की अभिव्यक्ति और क्रियान्वित जिस संगठन या एजेंसी के द्वारा होती है उसका नाम सरकार है। यानी राज्य की इच्छाओं की अभिव्यक्ति और क्रियान्वित जो एजेंसी करती है वही सरकार है।
सरकार के प्रमुख अंग कितने हैं? सरकार के अंग प्रमुख तीन होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का क्या अर्थ है? सरकार का वह अंग जो कानून बनाने का काम करता है उसे व्यवस्थापिका कहते हैं। दूसरे, सदन के गठन की सर्वाधिक संतोष पद्धति क्या हो सकती है? दूसरा सदन, प्रथम सदन, दूसरा सदन। द्वितीय सदन की रचना के संबंध में सर्वोत्तम व्यवहारिक पद्धति सिविक द्वारा सुझाई गई है, जिसमें अधिकांश सदस्यों के अप्रत्यक्ष निर्वाचन और कुछ सदस्यों के मनोनयन का सुझाव, यानी अप्रत्यक्ष दूसरे सदन के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन और मनोनयन के सिद्धांत का बात कही गई है। प्रथम सदन का गठन कैसा होना चाहिए? प्रथम सदन का गठन लोक व्यवस्था में प्रथम सदन का गठन वयस्क मताधिकार पर आधारित प्रत्यक्ष चुनाव पर होना चाहिए। कार्यपालिका का क्या आशय है? कार्यपालिका का आशय है, कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जिसका कार्य व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों को कार्य रूप में परिणत करना, उनके आधार पर प्रशासन का संचालन। यानी व्यवस्थापिका तो कानून बनाती है, उस व्यवस्थापिका के कानून को कार्य रूप देने वाला, उसको कार्यान्वित करने वाली कार्यपालिका होती है। विभिन्न कार्यपालिकाओं के प्रकार बताइए। कार्यपालिकाओं के वास्तविक अथवा नाममात्र की कार्यपालिका, एकल अथवा बहुल कार्यपालिका, संस्थात्मक और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, ये तीन प्रकार की कार्यपालिकाएं हो सकती है। ये प्रश्न थे जो, यानी एक भाग था, इससे पहले एक भाग हम पढ़ चुके हैं, ये दूसरा भाग था। एक तीसरा भाग आपके और अपलोड होगा, जिससे क्या है कि पूरी बुक है वो आपके कंप्लीट रिवाइज हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।